रेवन जी से पूछ लेते हैं। रेवन जी, जीएसटी भी आपके हाथ से गया, महंगाई भी आपके हाथ से गई, नोटबंदी भी आपके हाथ से गई, सारे मुद्दे आपने कोशिश किए गुजरात में भुनाने की, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल पाई। अब जो आने वाले चुनाव है उनमें क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपकी तैयारी है? क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको बहुमत मिला है, लोग अब थोड़ा बहुत जुड़े हैं कांग्रेस से, लेकिन आप इसको किस तरह से आप विस्तार रूप से आने वाले चुनावों में लेकर जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों की पार्टी रही है, और हम बिना देर लगाए हुए, बिना देर किए इस पूरे चुनाव परिणाम आने के बाद इसका गहन समीक्षा करेंगे, और उसके बाद में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में हर प्रदेश में बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे, और जो भी देश के मुद्दे हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादे किए थे और वादे करने के बाद में उसको जुमलों में तब्दील कर दिया, उन्होंने जो देश की जनता से वादे करके वोट लिए थे उसको पूरा नहीं किया, और फिर उन्होंने एक एक करके जो एक नफरत की राजनीति, झूठ की राजनीति, वादा खिलाफी की राजनीति करके जनता को ठगा है, जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया है। मैं नहीं कहता कि मैं उस तरीके से पॉलिटिक्स करूंगा, हाँ ये जरूर मैं जनता को जागरूक करने का काम करूंगा, जनता के चेतना के लिए जनता को बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार सिद्धांत क्या है, कैसे ये दलित विरोधी लोग हैं, कैसे ये बैकवर्ड विरोधी लोग हैं, कैसे अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, कैसे ये विरोध जो श्रमिक विरोधी लोग हैं, ये केवल और केवल मात्र 2% लोग देश की देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, उसमें 4-6 उद्योगपति और 4-6 मीडिया हाउस को लेकर के ये केवल देश के जो सच्ची और ईमानदार सोच को खत्म करके एक विनाशक राजनीति कर रहे हैं, और केवल धोखे की राजनीति कर रहे हैं, गरीबों की आप बात कर रहे हैं, जिन अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं वो सब बीजेपी को वोट देकर आए हैं, उन्हें सबने बीजेपी को वोट दिया है। इच्छा शक्ति के साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता में जन जागरण पैदा करूंगा कि भारतीय ये एहसास दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस ही आपकी असली जो है रहनुमाई करने वाली पार्टी है, वही आपको न्याय दिला सकती है, वही आपको सामाजिक न्याय दिला सकती है, वही देश दे सकती है, अभी भी रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चुनाव के देखिए आप पत्रकार है, आप जर्नलिस्टिक है, आपका काम है मुद्दे उठाना और हमारा काम है जनता की सेवा करना। मैं अपने इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ पूरे मनोयोग से कांग्रेस, देखिए कहीं ना कहीं आज भी जो है आप जो भी बात केवल केवल कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस पार्टी केवल विकास की राजनीति करती है। जब भी मुझे मौका मिलता है जनता की सेवा के लिए तो मैं वो कानून बनाता, कांग्रेस वो कानून बनाती है जो जनता के सुख के लिए हो, जनता के जो है हित के लिए हो। अरे मेरी एक सवाल का जवाब देंगे आप, मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए आप गुजरात में गए, आपने पाटीदार के जो बड़े चेहरे थे जिन्होंने आंदोलन किया उन सब से आपने गलबैया की, उनको अपने पार्टी में शामिल किया, उनका वोट भी लेने की कोशिश की है ना, पाटीदार पटेल। अब मुझे आप बताइए कि पाटीदार 37 सीटों पर पाटीदार जो वोट डालते हैं वो जीत और हार को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन उन 37 सीटों में से बीजेपी को कितनी गई, 21, और आपके पास कितनी आई? चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक लेते। अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से चुनावों को लेकर